परसों माननीय मुख्यमंत्री पूर्व शिवराज चौहान जी भी कहीं खंडवा तरफ गए होंगे। मैंने कल एक समाचार पत्र में बड़ी भारी न्यूज छोड़ी, हमारे विभाग से संबंधित थी, कि इंदौर से इच्छापुर रोड खंडवा के आसपास सड़क की बड़ी दुर्दशा है। उन्होंने बड़े दयनीय शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश सरकार से हम गुहार लगा रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ये सड़क हमको नहीं दे रही है। ये व्यक्ति इस समय फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, पूरे प्रदेश में झूठ और सच की दुकान चलाता वो घूम रहा है। मेरे पास पत्र है, माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी और मैं 1 जुलाई को नितिन गडकरी साहब को पत्र हमने सौंपा है कि माननीय गडकरी जी, ये सड़क आपकी है, आपको इसका निर्माण करना है, आप चाहे जिस एजेंसी से निर्माण करा लें, लेकिन आज तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया उन्होंने। राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर रखा उन्होंने, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर भी 2 टुकड़े में उन्होंने, राजमार्ग क्रमांक 347 BG और राजमार्ग 753 L 2 टुकड़े में 2 नंबर दे के राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया हुआ है, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन उसका जारी नहीं किया। और शिवराज चौहान प्रदेश की जनता को पहले भी भ्रमित करते थे, आज भी भ्रमित करके मध्य प्रदेश की कमलनाथ की सरकार को बेवजह बदनाम करने का घिनौना षड्यंत्र कर रहे हैं, उसका पर्दाफाश भी मैं पूरे लेटर लेके आया हूँ। एक बात, इसमें 2-3 रोड और हैं जिनके बारे में भी हमने माननीय गडकरी जी को दिया कि भैया तुम्हारा रोड संभालो, इसे बनाओ, लेकिन आज तक जैसे मंडला बारेला रोड, कई रोड ऐसे हैं जिस आप, अपन तो इंदौर रहते, मंडला के बारे में हमको जानकारी नहीं है, लेकिन उन पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। सीधी सिंगरौली कई रोड गड्ढों की स्थिति में पड़ा है। अब मैं इंदौर की बात कर लूँ, जब मैं मंत्री बना PWD विभाग मेरे पास आया, मैंने 2 महीने के अंदर अपने प्रेस के साथियों से मुखातिब होकर कहा था कि इस इंदौर शहर में यातायात का भयानकतम दबाव है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में 40-40 मिनट लगते हैं। तो जब कमलनाथ जी केंद्र सरकार में मंत्री थे, दिल्ली कॉलेज के प्रोग्राम में आए थे, उस समय मैंने उनसे कहा था कि ये एलिवेटेड ब्रिज बनना मैं आवश्यक समझता हूँ। उस बात को जाने कितने साल हो गए, 10 साल हो गए मेरा ख्याल है। तो कमलनाथ जी ने कहा था कि मैं देने को तैयार हूँ पैसा, और पहली किस्त के रूप में 28 करोड़ उन्होंने मंजूर कर दिए थे, क्योंकि नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता पहले भी थी और आज भी है। कुछ प्रेस के साथी भी थे हमारे, उन्होंने विरोध किया था कि नहीं इसकी आवश्यकता नहीं है, और नगर निगम ने कहा कि नहीं इसकी आवश्यकता नहीं है, वो 28 करोड़ रुपये वापिस हुए। आज आप और हम देखते हैं, आज भी किसी अखबार में छपा है एनालिसिस यातायात के दबाव का, बड़ा भयानक है, मतलब उस सिरे से इस तरफ आना बहुत ही ध्रुव हो गया है। तो ये 6-7 किलोमीटर का एलिवेटेड ब्रिज बन जाएगा तो निश्चित रूप से यातायात का दबाव बड़ा कम हो जाएगा। टेंडर कर दिए हैं हमने, इसमें एक दिक्कत आ रही थी कि मेट्रो ऊपर जाए कि हमारा ब्रिज ऊपर जाए, फिर हमने रिक्वेस्ट करी माननीय मुख्यमंत्री जी से, फिर उन्होंने मेट्रो के साथियों को बुलाया, हमारे विभाग के लोगों को बुला के तय किया कि हमेशा जो ब्रिजेस हैं ये मेट्रो के नीचे से हैं, किसी भी शहर में आप चले जाएं, टेंडर की वो भी है मेरे पास, 2 तारीख को टेंडर हो गए हैं, 15-20 दिन में एजेंसी फिक्स हो जाएगी और फरवरी से काम चालू करने की हम स्थिति में हैं। ये तो एक एलिवेटेड ब्रिज हो गया, ये MIG के आगे से, ये 9 लखा के आगे उतरेगा जाके, तो आर्ट्स कॉलेज तक चला जाएगा उसकी भुजा। तो ये ब्रिज तो मंजूर कर दिया हमने, और योजना बनाई है बापट चौराहे से लेके विजयनगर चौराहे के आगे रेडिसन के वहाँ एक ब्रिज उतरे, दूसरा ब्रिज रेडिसन से चालू होके आगे उतरे, फिर रॉबर्ट चौराहा, फिर खजराना चौराहे, 4 ब्रिज हमने और केंद्र सरकार को भेज रखे हैं। हम उनसे उनकी राशि नहीं मांग रहे,
हम हमारे प्रदेश सरकार की जो CRF सेंट्रल रोड फंड की राशि है 700-800 करोड़ रुपया होती है, वो केंद्र सरकार हमें दे नहीं रही है। पिछली बार भी मैंने कहा था कि दो लोगों का झगड़ा दिल्ली में चल रहा है, नरेंद्र मोदी वर्सेस नितिन गडकरी। नितिन गडकरी कैसे डैमेज हों राज्य सरकारों के सामने, इसलिए नरेंद्र मोदी साहब ने उस CRF का फंड हमारा प्रदेशों का रोक दिया है। तो जिस दिन ये फंड रिलीज होगा, ये चारों ब्रिज की भी हमारी पूरी तैयारी है, DPR बनी है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट सारा एवरीथिंग इज डन हमने कर रखा है। तो ये भी आवश्यक है कि चार ब्रिज बनने के बाद और भी सुगमता से हमारे शहर का व्यक्ति यात्रा, बाहर से आने वाला व्यक्ति भी यात्रा कर लेगा। ये तो विभाग की बात हुई। मैं मोटी मोटी एक दो बात और बता दूं कि हमने 55 रेलवे ओवर ब्रिज अपने प्रदेश में, जो रेल लाइन गुजर रही है अलग अलग जगह से, हमने चरणबद्ध तरीके से, हमारी कोशिश ये है कि ये सरकार हमारी राशि दे दे तो हम सारे रेलवे फाटक जो हैं, लोगों को खड़ा ना रहना पड़े, हम रेलवे ओवर ब्रिज बना दे। 55 ऐसे स्पॉट हैं तो हमने चिन्हित कर लिए और उनकी भी DPR बन रही है। दूसरा, कई सड़कें जर्जर हो जाती हैं, जब उनका टोल, उनका गारंटी पीरियड रहता है और टोल बनाने वाला, सड़क बनाना टोल हटा के चला जाता है, उसके बाद मेंटेनेंस की बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो हमने 20 सड़कें चिन्हित की हैं इस प्रदेश में और 20 की एक सूची और तैयार हो रही है कि कॉमर्शियल व्हीकल से हम टोल लें, आम जनता के चार पहिया वाहन, दूसरे वाहन से कोई टोल ना वसूला जाए। जो लोग उस सड़क पे गुजर के कमाते हैं, कॉमर्शियल व्हीकल, उनसे टैक्स लेके इन सड़कों का रख रखाव एक लंबे समय तक किया जा सकता है, तो ये गड्ढे वड्ढे वाली स्थिति बहुत हद तक ठीक हो जाएगी। और तमाम सारी इसमें मोटी मोटी बात है, पर मैं असली तो चूँकि राजनीतिक प्राणी हूँ तो राजनीतिक परिदृश्य के बारे में भी बात करना चाहता हूँ। दिल्ली से लेके इंदौर तक जो घटनाक्रम इस समय है, देश आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है, जिसे नरेंद्र मोदी और सीतारमण स्वीकार करने को तैयार नहीं है। आपने भी पढ़ा होगा जो रिपोर्ट आई है, 4.5% GDP विकास की दर, ये भी नकली है। हम लोगों ने जो आकलन कराया, 2.5% विकास की दर मात्र है हमारे देश की। मैंने एक भाषण में कहा परसों उज्जैन जिले के, वहाँ मैंने कहा नरेंद्र मोदी साहब का विजन सिर्फ भाषणों तक सीमित है, अपने मन की बात एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे तक करने की उनकी आदत हो गई है। अपने मन की बात उन्होंने कई बार कर ली, कभी उस किसान की बात नहीं सुनी, कभी उस किसान के बेरोजगार बेटे की बात नहीं सुनी, कभी उन महिलाओं की बात नहीं सुनी, कभी उनके मन की बात भी तो रेडियो पर कराई। मैंने भाषण में कहा कि हिंदुस्तान में, विश्व में इस सदी का सबसे बड़ा डाका यदि कहीं पड़ा है तो हिंदुस्तान में पड़ा है, और डाका डालने वाला व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के उर्जित पटेल जब गवर्नर थे, नरेंद्र मोदी ने उन पर दबाव डाला कि हमें 1,76,000 करोड़ रुपए रिजर्व बैंक का, वो पैसा जो देश पे विपत्ति आए, आपातकाल आए उस समय, उस पैसे का, उस राशि का उपयोग करके देश को सुरक्षित किया जाए। उर्जित पटेल ने कहा कि नहीं साहब, आप मेरी मुझे नौकरी से हटा दीजिए, मैं ये पैसा जो मेरे देश के भविष्य के लिए रिजर्व है, मैं नहीं दूंगा। तो उर्जित पटेल को हटा के दूसरा RBI गवर्नर लाए, उसे लाते ही नरेंद्र मोदी ने 1,76,000 करोड़ रुपए रिजर्व बैंक का वो पैसा जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए, वो दादागिरी से ले लिया। फिर एक महीने बाद जो वर्तमान RBI गवर्नर है, उनका स्टेटमेंट आता है कि हम जो सोना रिजर्व रखा हुआ है रिजर्व बैंक में, हम उसको बेचेंगे। तो इन दो बातों से साफ स्थिति हो जाती है इस देश की कि कितनी बुरी स्थिति आर्थिक व्यवस्थाओं की ही, आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है। हमारा किसान 7 रुपये 8 रुपये किलो के हिसाब से प्याज बेच देता है,